मोदी जी किस बात की सजा दे रहे हो यूपी वालों को? आप इतनी भर भर के सीट दे दी, देश की सरकार दे दी, प्रदेश की सरकार दे दी, अपना आप मंत्री बैठा के कह रहे हैं योगी कितनी भी कोशिश कर ले बिजली आने मत देना। योगी ने अपना एमडी बैठा दिया, दोनों के झगड़े होते रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता का क्या लेना देना है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं जाति धर्म को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर। चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं तो धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो जाती है, चाहे हिंदू वोट बैंक हो, मुसलमान वोट बैंक हो, ईसाई वोट बैंक या फिर सिख वोट बैंक हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो फिल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई, फिल्म आदि पुरुष में जो डायलॉग हैं और जो डायलॉग लिखे हैं वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, इनके डायलॉग पर चर्चा खूब हो रही है। क्योंकि एक रामायण जो धारावाहिक सीरियल था उसका अगर हम कहें तो उसका एक रोल ही अलग था, वो का धारावाहिक अलग थी। और जो रामायण रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई थी उसमें अगर जो चीज़ें बनाई गई या जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, अरुण गोविल जी जिन्होंने खुद भगवान श्री राम जी का किरदार अदा किया, वो घर घर में चर्चित रही और उस वक्त लोग रामायण देखने घर में बैठ जाते थे। और अभी के वक्त में अगर देखा जाए तो भगवान ही इनको माना जाता है। लेकिन जो मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग्स लिखे हैं उस पर बवाल काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि वो डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं और वो ये कहा जा रहा है कि धर्म संस्कृति संस्कार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालाँकि अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर, और एक मुद्दा और है जो कि सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहा, उस पर उन्होंने जमकर सरकार को घेरा है। देखिए एक रिपोर्ट। मोदी जी किस बात की सजा दे रहे हो यूपी वालों को? आप इतनी भर भर के सीट दे दी, देश की सरकार दे दी, प्रदेश की सरकार दे दी, अपना आप मंत्री बैठा के कह रहे हैं योगी कितनी भी कोशिश कर ले बिजली आने मत देना। योगी ने अपना एमडी बैठा दिया, दोनों के झगड़े होते रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे झगड़े से उत्तर प्रदेश की जनता का क्या लेना देना है? बैठो दिल्ली में, सॉल्व करो। कहते थे डबल इंजन, अब फेल इंजन हो गया तुम्हारा। तो इसलिए प्रदेश भर में जो मौतें हो रही हैं, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले तो उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस गर्मी के कारण जो मौत हुई है ये उनकी हत्या है, आपकी नाकामी के कारण। तो ऊर्जा विभाग से उन परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए जिनकी जान गई है बिजली कटौती से। और दूसरी बात, इस बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अंदर 22 तारीख को यानी कि परसों व्यापक जन आंदोलन करेगी और प्रदेश की सरकार से मांग करेगी कि बिजली कटौती की समस्या का समाधान किया जाए। जो लोग इस बिजली कटौती के कारण, गर्मी के कारण भीषण गर्मी में मारे गए उनके परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए। और जो ये कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर बिजली के तार जो अब तक बदले नहीं गए इस पे एक योजनाबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से काम करके बिजली की समस्या को उत्तर प्रदेश से दूर किया जाए। और मोदी जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी राजनीति के चक्कर में सजा मत दो। तुम्हारा योगी से क्या झगड़ा चल रहा है उसको निपटाओ दिल्ली में बैठ के। योगी से क्या झगड़ा आपका चल रहा है आप निपटाओ दिल्ली में बैठ के। आपको तो देश से कुछ लेना देना है नहीं। आपने तो एक नफरत की फैक्ट्री खोल रखी है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं तुम जलते रहो हम चलते रहे, निकल गए अमेरिका। मोदी जी कह रहे हैं तुम जल रहे हो हम चल रहे हैं, चले गए अमेरिका, छोड़ के मणिपुर उसकी हालत में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, लाखों परिवार सड़कों पे हैं, हजारों घर जलाए जा चुके हैं,
आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान को छोड़ के, मणिपुर को छोड़ के अमेरिका की सैर पे निकल पड़े। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर का मां नहीं निकला भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक फिल्म आई है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, आदि पुरुष, और यह फिल्म भाजपाइयों ने बनवाई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि यह फिल्म हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से बनी, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से बनी, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से बनी, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से बनी, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से बनी, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से बनी और योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बनी। भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रभु श्री राम का अपमान करने के लिए, माता सीता का अपमान करने के लिए, भगवान बजरंगबली का अपमान करने के लिए एक फिल्म बनवाई जिसके नाम पर भाजपाई धंधा कर रहे हैं। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, वैसे ही बेईमानी और भ्रष्टाचार करते रहते हो, कम से कम धर्म के नाम पे धंधा मत करो, धर्म के नाम पे धंधा मत करो। और शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों को। बगल का छोटा सा देश नेपाल, छोटा सा देश, उस नेपाल देश ने कहा हम अपने देश के अंदर प्रभु श्री राम का अपमान नहीं होने देंगे, हम अपने देश के अंदर माता सीता का अपमान, भगवान बजरंगबली का अपमान नहीं होने देंगे। और आदि पुरुष फिल्म पे बैन लगाने का काम नेपाल जैसे देश ने किया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश में भगवान का अपमान हो रहा है और घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इस फिल्म के ऊपर। कहा जा रहा है दो चार डायलॉग हटा देगा, अरे पूरी की पूरी फिल्म बर्बाद है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की देखी जा रही है, जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या अब विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। और विपक्ष के निशाने पर अगर सरकार आ गई है तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि साल 2024 के चुनाव से पहले सरकार कई सारे मुद्दों की वजह से फंस रही है, सरकार बहुत सारे मुद्दों की वजह से घिरती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं या जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव से पहले अगर तमाम बड़े जो मुद्दे हैं वो सरकार के लिए परेशानी का सबक बन जाते या मुश्किलें खड़ी कर देते, तो क्या 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए जितना आसान नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।